ये रातें, ये मुलाकातें, ये बातें और खाने सब ड्रामा है। इक्तदार के भूखे नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यकीन है तमाम इत्तेहादी इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान ऐसा ड्रोन मारेगा, ये सियासी तौर पर नाबूद हो जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले एक साल बाद इलेक्शन है, लोग बिकाओ माल को नहीं मुंह लगाएंगे। जमीन फरोश की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं, इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं। काफ लीग ने तहरीक अदम एतमाद में रजामंदी वजारत आला पंजाब की सीट से मशरूत कर दी। आसिफ जरदारी और चौधरी बरादरान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजारत आला देने का वादा करते हैं तो आपको किसी और के दर पर जाने की जरूरत नहीं। सूबाई असम्बली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, जरूरी हो तो कौमी असम्बली के इलेक्शन कराए जाए। काफ लीग की खुली ऑफर, नून लीग पेशकश पर परेशान, मुशावरत के लिए सर जोड़ लिए। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 5 रुपए इजाफे का इम्कान। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे से पेट्रोल की कीमत 165 रुपए फी लीटर तक पहुंच सकती है। डीजल की कीमत में 4 रुपए, मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील दायर कर दी। आईनी नुक्ते की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त पर लगाए गए एतराजात बिला जवाज हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तलाक से ताहयात नाअहली हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं, अपील में मौकिफ। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त नाकाबिले समाप्त करार। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में मौजूद है। असल स्टेक होल्डर्स ने पहले ही चैलेंज कर रखा है, जिनके पास कोई मुतबादल फॉरम भी नहीं। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में मौजूद है। सियासी जमातों का एहतराम है, वो अदालत आने के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मेनुल्ला के रिमार्क्स। पंजाब में खवातीन के अगवा के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा, 4 बरस के दौरान 40,000 से ज्यादा खवातीन अगवा होने का इंकशाफ। 37,140 खवातीन को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस को सुबह भर से 20 नामालूम खवातीन की लाशें मिली। ज्यादातर लड़कियों और खवातीन को शादी के बहाने अगवा किया जाता है। ज्यादातर मामलात में वालिदैन पैरवी नहीं करते। रूस की यूक्रेन पर पेशकदमी जारी। बहीर अस्वद में 2 अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया। घुमसान की जंग में 13 यूक्रेनी फौजी, 137 शहरी हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। रूसी हमायत याफ्ता जंगजू भी असलाह उठाए कीव में दाखिल हो गए। रूसी फौजियों ने चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर भी कब्जा कर लिया। रूस का 11 एयरफील्ड, 1 बहरी अड्डा, 1 हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी सदर का सारी फौज को हरकत में आने का हुक्म। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की वजीर आजम इमरान खान से मदद की अपील। पाकिस्तानी तालिब इल्म की मदद के लिए बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को राबते के लिए फोन नंबर जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा तर्नोपल पहुंचने की कोशिश करें। खरक्यू से तर्नोपल तक ट्रेनें चल रही हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, तलबा तालीमी कंसल्टेंट से राबता करें।
कैलाश कुमार पाकिस्तानी फौज के पहले हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। नामवर सोशल एक्टिविस्ट कपिल देव की लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश कुमार को प्रमोशन पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहते हैं, मुबारक हो कैलाश, कैलाश कुमार पहले हिंदू ऑफिसर बने हैं। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,139 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद 15,06,450 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,66,505, पंजाब में 5,395 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,15,747, इस्लामाबाद में 1,34,169, बलूचिस्तान में 35,316, गिलगित बल्तिस्तान में 11,448 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,874 हो गई। और लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में आज बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा, महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। मरी में बर्फबारी जारी, सड़क से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस का दौराने बर्फबारी, स्लिपरी रोड के बायस गाड़ी के टायरों पर चेन का इस्तेमाल करने की हिदायत।